हेलो सर, मुझे प्रोफेसर ढोलकिया से मिलना था। क्या आप में से कोई प्रोफेसर ढोलकिया हैं? सफेद बालों वाले आदमी ने पहले ध्यान से नैना को देखा, उसके बाद उंगली उठाकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तरफ उंगली बढ़ाते हुए कहा, ये हैं प्रोफेसर ढोलकिया। उस सफेद बालों वाले आदमी की बात सुनते ही वो उसकी उंगली की तरफ देखती है और झुकती हुई प्रोफेसर ढोलकिया से कहती है, हेलो प्रोफेसर ढोलकिया, कैसे हैं आप? गौरी ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। प्रोफेसर ढोलकिया जो चेस के बोर्ड को देख रहा था, नैना की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगा। उसे जैसे नैना की बात पर यकीन न आया हो। हैरानी भरे अंदाज में उसने नैना को देखते हुए कहा, क्या तुम ही वो ब्रेन स्पेशलिस्ट हो जिसके बारे में गौरी बात कर रही थी? प्रोफेसर ढोलकिया की हैरानी को देखकर नैना को हंसी आ जाती है। वो स्माइल करती हुई कहती है, हाँ, अगर गौरी आपको मुझसे मिलवाती तो शायद इसी तरह मिलवाती। तुम? प्रोफेसर ढोलकिया की आंखें अभी भी नैना को डाउट से देख रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या सच में ये नैना इतनी बड़ी डॉक्टर है? वो अपनी बात पूरी किए बगैर ही बीच में चुप रह गया। नैना समझ गई थी कि प्रोफेसर ढोलकिया को उसकी एज के कारण यकीन नहीं हो रहा है कि वो ब्रेन स्पेशलिस्ट है। उसने प्रोफेसर ढोलकिया के डाउट को हटाने के लिए कहा, अगर आपको यकीन नहीं है कि मैं ही वो हूँ तो आप गौरी को फोन कर सकते हैं। ये कहकर नैना ने अपना फोन निकालने के लिए बैग में हाथ डाला कि प्रोफेसर उसे रोक लेता है। प्रोफेसर ढोलकिया को कुछ रियलाइज होता है। उसने कुछ लज्जित होते हुए नैना से कहा, अरे फोन करने की कोई जरूरत नहीं, माफ करना, मैंने अनजाने में तुमसे ऐसा कह दिया। दरअसल जब भी गौरी तुम्हारे बारे में कुछ बात करती थी तो मुझे लगता था तुम्हारी एज मुझसे लगभग 1-2 साल बड़ी ही होगी। नैना कभी ऐसी बातों का बुरा नहीं मानती थी। बहुत से लोग उसे ये बात कह चुके थे। असल में इतनी छोटी एज में ब्रेन स्पेशलिस्ट बन जाना सबके बस में नहीं था, इसलिए लोगों को नैना का नाम सुनकर लगता था कि वो कोई बहुत उम्र दराज औरत होगी। अभी तो उसके सामने उससे बड़ा व्यक्ति बात कर रहा था, वो कैसे उसकी बात का बुरा मान जाती। उसने कहा, इट्स ओके, मुझे आदत है, आपकी तरह बहुत सारे लोग मेरी एज देखकर धोखा खा जाते हैं। प्रोफेसर ढोलकिया को पहले लगा कि उसके ऐसे बर्ताव से नैना को बुरा लग गया, लेकिन उसकी समझदारी भरी बातें सुनकर प्रोफेसर ढोलकिया कुछ इम्प्रेस हो गया। उसने सारे डाउट्स को दूर करके नैना से अच्छी तरह बात करना शुरू कर दिया। प्रोफेसर ढोलकिया और नैना आपस में डिस्कशन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी के पास बैठे सफेद बालों वाले बुजुर्ग तेजिंदर उसे जितनी बार देख रहे थे उतनी ही बार वो उन्हें और प्यारी नजर आ रही थी। पता नहीं कैसे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मिष्टी उनके घर की ही बच्ची हो। तेजिंदर को अक्सर बच्चे पसंद नहीं आते थे, लेकिन मिष्टी की चालाकी और क्यूटनेस के वो दीवाने हो गए थे। उसकी तरफ स्माइल करते हुए पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा, कितने साल की हो? मिष्टी को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो तो बैठी चेस के मोहरों को देख रही थी और अलग अलग मोहरों को टच करती नई नई चालें सोचने में बिजी थी। तेजिंदर की आवाज सुनकर अचानक ही उसके मुंह से निकला, मिष्टी मेरा नाम, उधम करना मेरा काम। इतना कहकर वो खुद ही हंस पड़ी। उसके बाद संभल कर बोली, मेरा नाम मिष्टी है सफेद बालों वाले अंकल, और मैं 5 साल की हूँ। मिष्टी की चंचलता देखकर तो तेजिंदर उसके और दीवाने हो गए। उसे देखकर वे खुश तो थे, साथ ही उन्हें इस बात का भी दुख था कि उनके परिवार में कोई इतनी क्यूट बच्ची क्यों नहीं है। हालांकि उनका परिवार भी बहुत बड़ा था और उसमें भी कई बच्चे थे, लेकिन मिष्टी जैसे खूबसूरत बच्ची नहीं थी। तेजिंदर जहाँ से सब सोच कर दुखी हो रहे थे, वहाँ नैना और प्रोफेसर ढोलकिया का डिस्कशन खत्म हो चुका था। प्रोफेसर ढोलकिया, आपकी बातें सुनकर लग रहा है मुझे आपकी सारी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स को एक बार पढ़ना होगा। प्रोफेसर ढोलकिया, जो अब नैना के सामने कम्फर्टेबल हो गए थे, बिना हिचकिचाए बोले, बिल्कुल, एक काम करिए, मेरी सारी रिपोर्ट्स अंदर वार्ड में है, हम लोग वहीं चलकर डिस्कस कर लेंगे। ओके, कहकर नैना ने मिष्टी को देखा जो चेस के बोर्ड में आंखें गड़ाए उसे देख रही थी। मिष्टी बेटा चलो आओ, हम लोग अंदर चलते हैं। नैना की बात सुनते ही तेजिंदर, जो मिष्टी के क्यूट फेस को देख रहे थे, उन्हें कुछ होश आया। ये सोचकर कि नैना मिष्टी को उनसे दूर ले जा रही है, वे बोले,
अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं आप? अभी तो हमने बात शुरू की थी, कुछ देर यहीं रुकिए। हाँ, नैना को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। यहाँ बहुत धूप हो रही है, मैं मिष्टी को अपने घर ले जा सकता हूँ? वहाँ मेरी छोटी छोटी नातिने हैं, इसे वहाँ बहुत मजा आएगा। तेजेंद्र की बात सुनकर नैना को समझ नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। पहली ही मुलाकात में तेजेंद्र मिष्टी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, कितना अजीब है। तभी बाजू में खड़ा प्रोफेसर ढोलकिया तेजेंद्र से कहता है, वो नैना मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखने अंदर जा रही है, अगर तुम भी चलना चाहो तो चल सकते हो। असल में तेजेंद्र और प्रोफेसर ढोलकिया एक दूसरे को बस चेस के लिए ही मिलते थे। जब कभी तेजेंद्र को चेस खेलना होता वो गार्डन में बैठे प्रोफेसर ढोलकिया को बुला लेते और दोनों घंटों चेस की बाजियां खेलते रहते। लेकिन चेस खेलने के अलावा उन दोनों की उतनी बातचीत न थी। जब भी तेजेंद्र चेस खेलने आता उसके पीछे उसके दो चार बॉडीगार्ड्स हमेशा साथ रहते। वो जानता था वो कोई मामूली आदमी नहीं। लेकिन जब प्रोफेसर ढोलकिया ने तेजेंद्र के मुंह से ये सुना तो वो दंग रह गया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ। इतना कहते ही तेजेंद्र उठे और मिष्टी की तरफ अपना दायां हाथ बढ़ा दिया। मिष्टी अचानक तेजेंद्र के हाथ को देखकर कुछ हैरान रह गई, फिर धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। तेजेंद्र को अंदर जाते देख उनके एक बॉडीगार्ड ने धीरे से कहा, सर। तेजेंद्र मनमौजी किस्म के इंसान थे, उनका दिल जिस चीज पर आ गया फिर वे उसके आगे पीछे का कुछ नहीं देखते थे। अभी मिष्टी उनको पसंद आ गई थी और ये बात उसके लोग जानते थे कि इस वक्त वो किसी की नहीं सुनेंगे। बॉडीगार्ड की आवाज सुनकर तेजेंद्र के कदम रुक गए। उन्होंने तीखी नजर से उसे देखते हुए कहा, क्या है? तेजेंद्र की तेज नजरों से बचते हुए बॉडीगार्ड ने कहा, सर कुछ देर में कंपनी के हेड आपसे मिलने आ रहे हैं, आने दो और अगर वो आ जाए तो वेट करने को कहो। ये कहते हुए तेजेंद्र आगे बढ़ गए। कंपनी के हेड को वेट कराना इतना कोई हंसी खेल नहीं था, लेकिन अगर तेजेंद्र ने एक बार ऑर्डर दे दिया हो तो उसे टाला कैसे जा सकता था। गार्ड ने सिर झुकाते हुए कहा, यस सर। वहीं प्रोफेसर ढोलकिया तेजेंद्र की पावर को देखकर हैरान था। वो सोच रहा था तेजेंद्र के अलावा और कौन ऐसा होगा जो कंपनी के हेड को ही वेट करा दे। काफी देर तक मिष्टी के साथ टाइम बिताने के बाद आखिर तेजेंद्र को वापस जाना ही पड़ा। उन्होंने नैना को अपना नंबर दिया और कहा, जब भी मिष्टी का मन करे खेलने का वो बेझिझक होकर उसे कॉल कर सकती है। इतना कहकर वे उदास मन से मिष्टी को छोड़कर बाहर निकल गए। वहाँ ब्रेन डिपार्टमेंट के एडवांस्ड वार्ड में मिसेज रहेजा अपने भाई हरविंदर के साथ खड़ी धीरे धीरे कुछ बातें कर रही थी। बाहर की तरफ देखते हुए हरविंदर ने मिसेज रहेजा से धीरे से कहा, क्या तुमने कल नीतीश की शादी में उसे देखा था? हरविंदर की बात सुनकर मिसेज रहेजा ने निराशा में अपना सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मुझे नैना तो नजर आई थी लेकिन ध्रुव का कहीं कोई पता न चला। तुम्हें नीतीश से इस बारे में पूछना चाहिए था, हरविंदर ने फिर जवाब दिया। मिसेज रहेजा जो दरवाजे की तरफ देख रही थी बोली, मैंने पूछने की कोशिश की थी, उसने कहा कुछ कारण है, वो उन्हें नहीं मिला सकता। अच्छा, मुझे लगता है वो हम लोगों से मिलाना ही नहीं चाहता, हरविंदर ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर मिसेज रहेजा कुछ पल शांत हो गई। अचानक कुछ बात याद आई, उसने फिर से हरविंदर के कान में फुसफुसाया, तुमने डैड के बारे में क्या सोचा है? तुम्हें पता है उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, क्या हमें उनको अब? हरविंदर ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं अभी उन्हें बताना सही नहीं है, अगर उन्हें इस वक्त कुछ बताया तो पता नहीं क्या करेंगे, डॉक्टर्स का कहना है कि कैंसर बढ़ता जा रहा है। मिसेज रहेजा ने एक लंबी सांस ली, फिर कुछ पल रुक कर कहा, अगर नैना से हेल्प ली जाए तो? उससे पहले मिसेज रहेजा कुछ और कहती आदमी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अगर वो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, तो हम क्यों उन्हें जबरदस्ती फोर्स करें? अचानक हरविंदर को रियलाइज हुआ कि उसने कुछ तेज आवाज में ये शब्द कह दिए। कुछ पल शांत रहकर फिर कहता है, देखो तुम्हें अपने सर पर सब कुछ लेने की जरूरत नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, डैड तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। आदमी के मुंह से ये शब्द सुनकर रहेजा के आंसू छलक आए। उसने खुद को संभालते हुए कहा, भले डैड मुझे ब्लेम ना करे हरविंदर, पर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मिसेज रहेजा और हरविंदर एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी उन्हें
बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। सामने से हरविंदर और हरप्रीत रहेजा के पिता तेजिंदर कमरे में अंदर आ जाते हैं। वहीं जैसे ही तेजिंदर ने वार्ड का दरवाजा खोला, सामने उनका बेटा और बेटी उनका वेट करते हुए दिखे। डैड, मिसेज रहेजा ने उन्हें देखते ही कहा। सामने मिसेज रहेजा और हरविंदर को देखकर तेजिंदर को कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई। उन्होंने कुछ अनमने ढंग से कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम आपको देखने आए थे डैड, यहाँ पहुँचे तो पता चला आप तो सुबह से ही गायब हैं, तभी से बैठे आपका वेट कर रहे हैं, मिसेज रहेजा ने उन्हें समझाते हुए कहा। हाँ, वो मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए बाहर कुछ टहलने निकल गया। वहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची से मिला, इतनी क्यूट बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी, मैं इतनी देर से उसी के पास था, लेकिन सोचा लेट हो जाऊंगा इसलिए वापस आ गया। मिष्टी के बारे में बताते हुए तेजिंदर की बूढ़ी आंखों में अलग ही चमक थी। वे इतनी एक्साइटमेंट से उसके बारे में बता रहे थे कि मिसेज रहेजा और हरविंदर भी उसकी खुशी साफ साफ देख पा रहे थे। अपने पिता को इस तरह खुश देखकर वे दोनों हैरान थे, क्योंकि उन्हें पता था तेजिंदर को बच्चे पसंद नहीं है। उनके खुद के परिवार में इतने सारे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी बच्चे को गोद में तक ना लिया था, और आज तो वो जैसे मिष्टी के दीवाने हो गए थे। लगता है उस बच्ची से मिलकर आपका मूड अच्छा हो गया, मिसेज रहेजा ने संभल कर कहा। हाँ वो तो है, मेरा मूड ऐसे ही अच्छा रहता अगर तुम लोग ना आते। ये सुनते ही मिसेज रहेजा और हरविंदर ने एक दूसरे को देखा, फिर कुछ पल रुक कर मिसेज रहेजा बोली, डैड, हरविंदर ने आपके ट्रीटमेंट के लिए विदेश के डॉक्टर से कॉन्टेक्ट किया है, अपने कुछ काम खत्म करके वो यहाँ आपके ट्रीटमेंट के लिए आएंगे। क्या कहा, विदेशी डॉक्टर? क्या हमारे भारत में सारे डॉक्टर्स मर गए हैं जो तुम्हें बाहर से डॉक्टर को बुलाना पड़ रहा है? तेजिंदर ने मिसेज रहेजा को घूरते हुए कहा। तभी मिसेज रहेजा बीच में आती हुई बोली, ऐसा नहीं है डैड, वो डॉक्टर इंटरनेशनली रिनाउंड डॉक्टर है, आप एक बार इलाज करके तो देखिए। तेजिंदर का मन तो बिल्कुल न था, लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे वो झुक गए और मुंह बनाते हुए बोले, ठीक है करा लूंगा, लेकिन तुम लोग कब तक यहीं रहोगे? घर जाओ, लेट हो जाओगे। तेजिंदर अपने बेड पर आए और खिड़की की तरफ मुंह करके बाहर देखने लगे। क्या तेजिंदर को बचाने के लिए मिसेज रहेजा लेगी नैना की मदद? क्या होगा जब नैना को पता चलेगी मिसेज रहेजा की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो, सिर्फ पॉकेट एफएम के साथ। मिलिट्री हॉस्पिटल में नैना प्रोफेसर ढोलकिया की रिपोर्ट्स देख रही थी। प्रोफेसर ढोलकिया की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी और उसे पूरे देश और प्रोफेसर ढोलकिया के सभी बड़े डॉक्टर्स से जवाब मिल चुका था। प्रोफेसर ढोलकिया के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा डिप्रेस्ड भी रहने लगे थे। सारी डिटेल्स अच्छे से चेक करने के बाद नैना ने प्रोफेसर ढोलकिया की मेडिकल रिपोर्ट्स बंद करते हुए कहा, सर मैंने आपकी रिपोर्ट्स और आपकी बीमारी के बारे में पढ़ लिया है, आई थिंक। इससे पहले कि नैना अपनी बात खत्म करती, प्रोफेसर ढोलकिया ने बोला, मैं सब जानता हूँ। हाँ, नैना को कुछ समझ में नहीं आया। यूं तो उन्होंने नैना को अपनी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन जब वो अपना ओपिनियन बताने लगी तो उन्होंने उसे उसकी बात पूरी करने से पहले ही रोक दिया। ये नैना को थोड़ा अजीब लगा। मैं भी एक फोरेंसिक डॉक्टर हूँ, मैं अपनी बॉडी को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन गौरी ने तुम्हारे बारे में बताया तो मैं तुमसे बात करके ट्राई करना चाहता था, प्रोफेसर ढोलकिया ने नैना से कहा। प्रोफेसर ढोलकिया डॉक्टर से मिल मिलकर थक गया था और उसे नैना से भी उसी जवाब की उम्मीद थी जो आज तक उसे बाकी डॉक्टर्स देते आए थे। वो बस गौरी के बहुत इंसिस्ट करने पर ही नैना से मिलने के लिए राजी हो गया था। कोई बात नहीं, मैं भी शायद ही इसकी ट्रीटमेंट कर पाऊं। नैना काफी डिसअपॉइंटेड दिख रही थी। नैना बहुत बड़ी डॉक्टर थी और अगर वो भी किसी मरीज को बोलती है कि उसका इलाज नहीं कर पाएगी तो बीमारी वाकई बड़ी है। पर नैना का बस चलता तो वो प्रोफेसर ढोलकिया क्या, किसी भी मरीज को मरने नहीं देती। नैना किसी भी कीमत पर प्रोफेसर ढोलकिया को बचाना चाहती थी। अगर आपके पास समय है तो आप मेरे हॉस्पिटल आइए, मैं खुद आपके सारे चेकअप करूंगी, नैना ने प्रोफेसर ढोलकिया से कहा। प्रोफेसर ढोलकिया कुछ समझ नहीं पाया था। उसने नैना की तरफ देखा, उसने सोचा कि नैना ने सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं और वो जानती है
कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी वो अपने हॉस्पिटल में उसे चेकअप करने के लिए क्यों बुला रही है? फॉर्मेलिटीज करने का फायदा ही क्या है? प्रोफेसर ढोलकिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर हिचकिचाते हुए पूछा, नैना, आपके हॉस्पिटल में आने का क्या कोई फायदा है? मैं कोई भी सर्जरी करती हूँ तो उसकी 60% सक्सेस रेट है, नैना ने प्रोफेसर ढोलकिया को बताया। प्रोफेसर ढोलकिया खुशी और हैरानी के मारे उछल पड़ा। क्या सच में? ऐसा मरीज जिसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है, उसे बचने का भी 60% चांस होना बहुत बड़ी बात है। क्या वाकई अब वो ठीक हो सकता है? प्रोफेसर ढोलकिया को अब आशा की एक किरण नजर आने लगी। पहले आपके सारे चेकअप करा लेते हैं, फिर सर्जरी कब करानी है मैं बता दूंगी। नैना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि बचने का 60% चांस भी उसे कम ही लग रहा था, इसलिए नैना ने फिलहाल उसको ज्यादा तसल्ली नहीं दी। ठीक है, मैं जल्दी ही आपके शहर में आता हूँ। प्रोफेसर ढोलकिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके बाद प्रोफेसर ढोलकिया नैना को अपने सारे स्ट्रगल बताने लगा। उसने उन तमाम डॉक्टर्स के बारे में भी उसे बताया जिनकी निगरानी में अब तक वो इलाज करवा रहा था। प्रोफेसर ढोलकिया ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो जीने की सारी उम्मीदें छोड़ चुका था, और अब जब नैना उसे ट्रीट करेगी तो उसने थोड़ी ही सही एक उम्मीद प्रोफेसर ढोलकिया के मन में जगा दी। दोनों बात ही कर रहे थे तभी नैना के फोन की घंटी बज उठी। एक्सक्यूज मी, बोलकर नैना ने अपने बैग से फोन निकाला और कॉल पिक की। ये ध्रुव की कॉल थी। उसकी कॉल देखकर नैना के चेहरे पर खुशी छा गई। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि क्या तुम डिनर पर आ रही हो। ध्रुव का बात करने का लहजा थोड़ा रूड लग रहा था। उसे समझ नहीं आया कि ध्रुव को अचानक क्या हुआ है। नैना ने बाहर देखा तो शाम ढल चुकी थी। नैना ने ध्रुव को बताया कि वो डिनर उसके साथ ही करेगी। इसके बाद ध्रुव ने फोन रख दिया। नैना थोड़ी देर तक फोन को ही घूरती रही और कुछ सोचती रही। उसके बाद उसने प्रोफेसर ढोलकिया से कहा, और कोई काम तो नहीं है ना? अब मैं चलती हूँ, शाम हो गई है। ठीक है, प्रोफेसर ढोलकिया ने जवाब दिया। मिष्टी जो पास ही चेयर पर बैठी हुई थी, नैना ने उसको गोद में उठाया और दोनों साथ में हॉस्पिटल के बाहर निकल गए। नैना और मिष्टी हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करने लगे। मिलिट्री हॉस्पिटल के पास से ही मिसेज रहेजा और हरविंदर गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ नैना अपनी बेटी के साथ खड़ी है। मिसेज रहेजा ने तुरंत कार रोकने के लिए कहा। हरविंदर हैरान हो गया कि हरप्रीत रहेजा किसके लिए कार रोकना चाहती है। हरविंदर अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता था। उसके स्टैंडर्ड इतने हाई थे कि वो बीच सड़क पर कभी भी किसी के लिए भी नहीं रुक सकती थी, पर आज वो खुद सड़क के किनारे खड़ी किसी औरत के लिए कार रोकने के लिए कह रही है। जब नैना और मिष्टी के सामने एक बड़ी कार रुकी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तुरंत ही उसमें से हरप्रीत रहेजा को निकलते देख नैना हैरान हो गई। मिसेस हरप्रीत रहेजा यहाँ क्या कर रही हैं? और उसने इस तरह हमारे पास कार क्यों रोक दी है? नैना अपने मन में सोचने लगी। आप यहाँ? नैना ने हैरानी से पूछा। मिसेस रहेजा को पता था कि नैना शॉक्ड हो गई है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मिसेस रहेजा कल से ही ध्रुव और मिष्टी को खोज रही थी, लेकिन वो दोनों उसे कहीं भी नहीं मिले। लेकिन यहाँ मिसेस रहेजा के लिए अच्छा मौका था, जहाँ वो मिष्टी और नैना दोनों से ही बातें कर सकती थी। मिष्टी, क्या तुम मुझे पहचान गई? हरप्रीत रहेजा ने एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ, आप प्यारी दादी माँ हो, रहेजा को छोटी सी बच्ची ने उसकी उम्र की याद दिला दी, और ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। रहेजा अपने आप को उम्र में नैना के बराबर ही मानती थी। रहेजा मिष्टी से कहना चाहती थी कि मैं दादी माँ नहीं, तुम्हारी आंटी हूँ, पर वो मन महसूस कर रह गई। आखिरकार इतनी छोटी बच्ची से बहस करना भी तो ठीक नहीं है, और पहले भी वो उसे दादी बोल चुकी है। रहेजा ने मिष्टी को प्यार से थपकी दी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मिसेस रहेजा ने हैरान होकर पूछा। मैं एक मरीज को देखने आई हूँ, नैना ने जवाब दिया। नैना ने देखा कि कार में एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, लेकिन उसका फेस सामने होने की वजह से नैना उसे पहचान नहीं पाई। प्रोफेसर ढोलकिया को देखने के बाद वो एक सफेद बाल वाले अंकल से भी मिली थी, और हरविंदर कुछ उनके जैसा ही दिख रहा था, इसलिए उसे वो चेहरा जाना पहचाना लगने लगा। नैना हैरानी से उसकी तरफ
देखती रह गई। हरविंदर कार के अंदर था, इसलिए वो नैना और हरप्रीत रहेजा की बातें सुन नहीं पा रहा था। लेकिन उसने ये देख लिया कि नैना उसे हैरानी से देख रही है। हरविंदर भी उसे और मिष्टी को देखने लगा। वो एक पल के लिए थोड़ा सहम गई। उसकी नजर नैना पर ही थी और दोनों ही एक दूसरे को बहुत वियर्ड तरीके से देख रहे थे। रहेजा ने अपना सिर घुमाया और हरविंदर की तरफ देखा, जो नैना की तरफ ही देख रहा था। नैना को थोड़ी देर में समझ में आ गया कि उसे अपने सामने वाले को ऐसे नहीं देखना चाहिए। उसने अपनी नजरें हटा ली और बोली, ठीक है, मैं अब चलती हूँ। नैना मन ही मन में सोचने लगी कि न जाने दोनों उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। नैना को ऐसे उसकी तरफ लगातार नहीं देखना चाहिए था। नैना आगे कुछ बोल पाती उसके पहले ही मिसेज रहेजा ने पूछा, क्या तुम लोग टैक्सी का इंतजार कर रहे हो? नैना अभी उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने बेमन से हाँ में सर हिलाया। तुम कहाँ जा रही हो, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं? रहेजा ने नैना से पूछा। नैना मिसेज रहेजा को मना करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसे मना कर नहीं पाई। नैना को लगा कि मिसेज रहेजा ने इतनी विनम्रता से उसे लिफ्ट देने के लिए पूछा है, और इस पर यदि नैना उसे मना करती है तो ये बात मिसेज रहेजा को बुरी भी लग सकती है। नैना की मर्जी जानकर मिसेज रहेजा बहुत खुश हो गई। वो झट से अंदर गई और कार में पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को कुछ कहा। वो व्यक्ति कार से निकलकर आगे वाली सीट पर जाने लगा। फिर नैना ने अपने मन ही मन सोचा कि उसने खामखा लिफ्ट देने के लिए हाँ कर दिया है, अब इन लोगों को परेशानी हो रही है। पर रहेजा बहुत खुश थी। उसने नैना से बोला, आकर कार में बैठ जाओ। नैना को बहुत मन था कि वो रहेजा को मना कर दे और कह दे कि वो अकेली चली जाएगी, लेकिन अब एक बार हाँ कहने के बाद उनसे मना करना उसे ठीक नहीं लगा। नैना मिष्टी को लेकर कार में बैठ गई। नैना को पता था कि अगर ध्रुव को पता चल गया कि वो किसी अनजान के साथ उसकी कार में बैठी थी, और तो और वो मिष्टी को भी लेकर गई थी, तो ध्रुव इस बात का बहुत ज्यादा बुरा मान जाएगा। सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया, नैना की झिझक उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। अरे कैसी परेशानी, हम उसी तरफ जा रहे हैं और रास्ते में तुम्हें भी छोड़ देंगे, डोंट वरी। मिसेज रहेजा ने नैना को कम्फर्ट फील कराया। नैना को अब अच्छा लग रहा था। मिसेज रहेजा किसी से भी बहुत जल्दी घुल मिल जाती थी, इसलिए नैना को उसकी कार में कम्फर्टेबल फील कराने में ज्यादा समय नहीं लगा। रास्ते में ही हरविंदर ने एक फोन करके दूसरी कार मंगाई और उसमें जाकर बैठने लगा। नैना ने उसको पीछे से देखा तो वो बिल्कुल ध्रुव जैसा ही दिख रहा था। नैना उसे देखकर परेशान हो गई। ये आदमी पीछे से हूबहू ध्रुव जैसा कैसे दिखता है? मिसेज रहेजा ने नैना को उसे ऐसे देखते हुए नोटिस कर लिया था। मिसेज रहेजा ने नैना से पूछा कि क्या हुआ? कुछ नहीं, नैना ने जवाब दिया और बहुत परेशान हो गई। नैना को आज खुद भी उसकी हरकतें समझ में नहीं आ रही थी। अगर रास्ते में उसे कोई व्यक्ति ध्रुव जैसा दिखेगा तो वो उसे घूरने लगेगी क्या? नैना मन ही मन कुछ सोच रही थी कि तभी उसे रहेजा की आवाज सुनाई दी। यहाँ पर बहुत सुंदर पार्क है जहाँ दूर दूर से लोग आकर घूमना पसंद करते हैं, और एक झील भी वहाँ है, तो लोग दूसरे शहरों से आते हैं क्योंकि उसका पानी शीशे जैसे साफ है और आसपास बहुत सुंदर पेड़ हैं। यहाँ ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं। तुम चाहो तो मिष्टी को लेकर वहाँ जा सकती हो, उसे भी अच्छा लगेगा। नैना जो बाहर हरविंदर को जाते देख रही थी, मिसेज रहेजा की बात सुनकर बोली, हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन शायद इस बार ना जा पाऊँ। क्यों, तुम इतनी जल्दी कोलकाता वापस क्यों जा रही हो? मिसेज रहेजा को कैसे पता कि मैं कोलकाता जल्दी वापस जा रही हूँ? ये तो बड़ी अजीब बात है। नैना को रहेजा का नेचर कुछ अजीब लग रहा था। जिस तरीके से वो उससे मिल रही थी, यहाँ तक कि उसे ये भी पता है कि नैना कब कोलकाता जाने वाली है। मिसेज रहेजा ने जैसे ही देखा कि नैना को उस पर कुछ डाउट हो रहा है, उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, मैं भी बड़ी मुश्किल से यहाँ आ पाई। वो क्या है ना, मुझे इतने काम रहते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मैं खुद यहाँ रुकना चाहती हूँ, लेकिन शायद मुझे भी जाना पड़े। ये सुनकर नैना का डाउट दूर हो जाता है। उसने स्माइल करते हुए कहा, हाँ हम दोनों का मामला एक सा है, शायद हमारा काम पहले जरूरी है। सही कहा तुमने। ये देखकर कि नैना का शक उस पर से हट गया,
रहेजा ने चैन की सांस ली और कुछ पल शांत रह गई। क्या नैना को पता चल जाएगी मिसेज रहेजा की सच्चाई? आखिर ध्रुव कैसे संभालेगा मिसेज रहेजा को नैना से? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मिसेज रहेजा ने अपनी बातों से नैना के शक को कवर कर लिया, ये कंफर्म करके कि नैना इस बारे में नहीं सोच रही है। तब उन्होंने लंबी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगी। बाहर से भले मिसेज रहेजा नॉर्मल दिख रही हूँ, लेकिन अंदर उसके बहुत कुछ चल रहा था। वो सोच रही थी, ध्रुव का बच्चा मुझसे न मिलना पड़े इसलिए वो यहाँ से जल्दी भाग रहा है, और शायद यही रीजन होगा कि कल वो मुझसे शादी में नहीं मिला, क्योंकि वो मेरा सामना नहीं करना चाहता होगा। वहीं नैना का सच में इस बात पर उतना ध्यान नहीं गया था, उसे तो अभी फिक्र ये हो रही थी कि कैसे भी करके वो होटल पहुंच जाए, क्योंकि ध्रुव काफी देर से उसका वेट कर रहा होगा। कुछ देर रास्तों को पार करने के बाद कार होटल के गेट पर आकर रुक गई। नैना ने मिसेज रहेजा की तरफ देखा और स्माइल करती हुई बोली, थैंक्स लिफ्ट देने के लिए। अरे थैंक्स की क्या बात है, मैं तो वहीं जा रही थी। मिसेज रहेजा की बात सुनकर नैना ने स्माइल किया और मिष्टी को लेकर बाहर उतर गई। उसे अचानक कुछ याद आया। उसने मिष्टी को गोद में लेते हुए कहा, बेटा जल्दी से दादी को बाय बोलो। मिष्टी जो इस वक्त मिसेज रहेजा के सफेद बालों को देख रही थी तुरंत बोली, बाय बाय दादी माँ। मिष्टी के मुंह से दादी माँ सुनकर मिसेज रहेजा को हंसी आ जाती है। असल में उसे पता था कि ध्रुव अंदर ही है और उसका बहुत मन था कि वो उससे मिले, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ध्रुव उससे मिलना नहीं चाहता, इसलिए वो स्माइल करती हुई कुछ कहने को हुई। तभी उसे होटल के गेट पर एक गंभीर चेहरा उसे घूरता हुआ नजर आया, जिससे उसकी सारी हंसी छू हो गई। ये ध्रुव ही था। नैना को कॉल करने के बाद उसने नैना के लिए सरप्राइज प्लान किया था और पहले से आकर होटल के गेट पर इंतजार कर रहा था। उसे इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मिसेज रहेजा नैना को छोड़ने होटल आएगी। मिसेज रहेजा को नैना के साथ देखकर ध्रुव का सारा एक्साइटमेंट भी गुम हो गया। वो भारी आंखों से मिसेज रहेजा की तरफ देखता जा रहा था। अच्छे अंकल, नैना की गोद में चढ़ी मिष्टी ने ध्रुव को देखते ही चिल्लाया, लेकिन उसके सीरियस चेहरे को देखकर वो कुछ डर गई। उसे लगा उसने इस तरह चिल्लाकर ध्रुव अंकल को गुस्सा दिला दिया है, इसलिए वो चुप और मायूस हो गई। गेट पर खड़े ध्रुव ने जैसे ही मिष्टी को ऐसे चुप होते देखा तो वो समझ गया कि वो डर गई है। उसने अपना गुस्सा शांत किया और स्माइल करते हुए मिष्टी के आगे दोनों हाथ फैला दिए। ये देखकर कि ध्रुव पहले वाले अच्छे अंकल बन गए हैं, मिष्टी झट से उतरकर ध्रुव की गोद में चढ़ गई। ध्रुव का सडन चेंज देखकर मिसेज रहेजा कुछ हैरान रह गई। उसे पता था कि इस वक्त उसका यहाँ होना ध्रुव को कितना काट रहा है, लेकिन नैना और मिष्टी की वजह से ध्रुव अभी स्माइल कर रहा है। नैना ने स्माइल करते हुए पूछा, तुम बाहर क्यों खड़े हो, मैं तो आ ही रही थी। ध्रुव का ध्यान अभी भी मिसेज रहेजा की तरफ लगा हुआ था, वो उसे ही घूरे जा रहा था। ध्रुव को इस तरह मिसेज रहेजा को घूरते देख नैना बोली, ये मिसेज रहेजा है, हमारी दोस्ती बाय चांस ही हो गई। अभी मैं टैक्सी का वेट कर रही थी तभी ये वहाँ से गुजर रही थी, मुझे देखकर इन्होंने कार रोक ली और यहाँ तक छोड़ा, तब तो हमें इनका अच्छे से धन्यवाद करना चाहिए, ध्रुव ने मिसेज रहेजा को घूरते हुए कहा। ध्रुव के सरह तंज मारने से मिसेज रहेजा को शर्म आ जाती है। वो कुछ नजरें चुराती हुई कहती है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, अंधेरा हो रहा है, लेट हो रहा है। वो समझ गई कि उसका यहाँ रुकना अब सही नहीं है। उसने हंसने की कोशिश की और बोली, मुझे कुछ काम से जाना है, फिर मिलते हैं नैना, बाय मिष्टी बेटा। ध्रुव ने उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया। वही नैना ने एक स्माइल के साथ उसे वापस बाय कहा। ध्रुव ने नैना की तरफ देखा और कुछ लाइट होकर कहा, बाहर ठंड बढ़ रही है, अंदर चले। हाँ, मिसेज रहेजा और ध्रुव के बीच क्या चल रहा है ये नैना बिल्कुल नहीं समझ पाई, क्योंकि ध्रुव अपने गुस्से को दिखाकर मिसेज रहेजा को यहाँ से भगा देना चाहता था, इसलिए वो मुड़ी और गेट की तरफ निकल गई। ध्रुव ने मिष्टी को गोद में लिया और बिना मिसेज रहेजा को देखे नैना के पीछे हो लिया। ये देखकर कि वे लोग अंदर चले गए हैं, तब मिसेज रहेजा की सांस में सांस आई। उसने कार का दरवाजा खोला और चुपचाप बैठ गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव को कैसे समझाए। ध्रुव हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करता था और अभी भी वो नैना के सामने उसे किसी अनजान व्यक्ति जैसे ही ट्रीट कर रहा था। कुछ देर अपने ख्यालों में खोए रहने के बाद उसने अपना फोन निकाल कर नंबर डायल किया। एक दो रिंग जाने के बाद फोन पिक हुआ। हरविंदर, ध्रुव को पता चल गया कि मैं और नैना मिल चुके हैं। ध्रुव नैना को लेकर होटल के रेस्टोरेंट में पहुंचा। रेस्टोरेंट के बाहर एक सुंदर गार्डन था जहां बहुत सुंदर फूल लगे थे। अंधेरे में उनकी खुशबू से वहां का माहौल अलग ही हसीन लग रहा था। ध्रुव नैना को कॉर्नर वाली टेबल पर ले गया और वे तीनों आमने सामने बैठ गए। उनके बैठते ही वेटर मेन्यू लेकर आया और ध्रुव और नैना को पकड़ा दिया। दिन भर की भूखी नैना ने बहुत सा खाना ऑर्डर करके ध्रुव की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें कुछ मंगाना है? ये सुनकर ध्रुव ने हल्की सी स्माइल की और वेटर के कान में कुछ कहकर वापस बैठ गया। ध्रुव की बात सुनकर वेटर भी जरा मुस्कुराया और वहां से निकल गया। नैना ये सब स्ट्रेंजली देख रही थी, लेकिन उतना ध्यान न देकर वो गार्डन के फूलों को देखने में बिजी हो गई। नैना ने ऑर्डर दिया और ध्रुव का इशारा सुनकर वेटर भी जा चुका था। तुम मिसेज रहेजा को कैसे पहचानती हो? टेबल पर बैठे ध्रुव ने पूछा। नैना जो खिड़की पर गार्डन के फूलों को देख रही थी, ध्रुव की बात सुनकर बोली, तुम्हें याद होगा कुछ दिनों पहले तुम किसी काम में बिजी थे और मैं मिष्टी को लेकर पार्क गई थी। वहाँ मिसेज रहेजा रास्ते में चल रही थी कि तभी उनका पैर लचक गया और वे जमीन पर गिर गई। मैंने उन्हें उठाया और साइड में बैठाया। उसके बाद कल जब नीतीश की शादी में मैं वॉशरूम से लौट रही थी, तब भी वे वहाँ टकरा गई। नैना ने ध्रुव को ये नहीं बताया कि वो कोर्टयार्ड में मिसेज रहेजा का इंतजार कर रही थी। तभी उसके पीछे लिनेश पड़ गया था। उसे लगा ध्रुव का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, और अगर वो लिनेश के बारे में उसे कुछ भी बताती है तो ध्रुव उसे छोड़ेगा नहीं। नैना की पूरी बात सुनकर ध्रुव ने बस हाँ में सर हिलाया और चुप रहा। लेकिन अंदर वो सोच रहा था कि उस दिन पार्क में मिसेज रहेजा का नैना को मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मिसेज रहेजा प्लानिंग करके ही नैना से मिली थी। हाँ, अगर कल की बात करें तो ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि नीतीश की शादी में उसका वहां होना जायज था। पर आज जब नैना इतनी दूर गौरी के प्रोफेसर के पास गई थी, वहां फिर उसे मिसेज रहेजा का मिलना, ये कुछ सही नहीं। और आज वो कैसे मिल गई? ध्रुव ने कुछ देर चुप रहकर अचानक पूछा। नैना को ध्रुव का इस तरह क्वेश्चन करना कुछ अजीब लगा, लेकिन उस पर ध्यान न देते हुए बोली, मैं गौरी के पहचान के प्रोफेसर से मिलकर वहां से अपना काम करके लौट रही थी और बाहर टैक्सी का वेट कर ही रही थी कि सामने से मिसेज रहेजा की कार आकर रुक गई, और वो उतर कर बोली, चलो मैं लिफ्ट दे देती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है तुम दोनों की अच्छी बनती है। ध्रुव मन ही मन सोच रहा था, आखिर मिसेज रहेजा चाहती क्या है, और उसे लगा नहीं था नैना मिसेज रहेजा से इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना लेगी। हाँ, लगता तो है, नैना स्माइल करती हुई बोली। दोनों की बात खत्म हुई ही थी कि वेटर खाना लेकर आ गया और टेबल पर सजा दिया। डिनर करते वक्त रेस्टोरेंट में लोगों का आना जाना बना था। दिन भर की भूखी नैना खाने में व्यस्त थी और ध्रुव मिष्टी को गोद में बैठाकर अपने हाथों से उसे खिला रहा था। जब खाना खत्म हो गया और रेस्टोरेंट में भी लोग गिने चुने बचे थे, तब ध्रुव ने मिष्टी को अपनी चेयर पर बैठाया और बिना कुछ कहे वॉशरूम निकल गया। नैना जो टिश्यू से अपने हाथ साफ करती हुई खिड़की से गार्डन को देख रही थी, अचानक उसने देखा गार्डन में जलते हुए छोटे छोटे लैंप बंद हो गए हैं और वहां जितने लोग थे एक दो को छोड़कर सारे गायब हो गए हैं। गार्डन अब घुप अंधेरे में गुम था। नैना को ये अजीब लगा। उसने मिष्टी को गोद में लिया और बाहर गार्डन की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर नैना को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस लौटने वाली थी तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक धमाके के साथ पूरा आसमान जगमगा गया। नैना की आंखें उस नजारे को देखकर चमक गईं। एक के बाद एक आसमान में फूटते रंगीन पटाखे जैसे पूरे शहर को रोशन कर रहे थे। कुछ देर अवाक रहने के बाद नन्ही मिष्टी अपने पीछे खड़े ध्रुव को देखते ही चिल्लाई। मिष्टी की आवाज से नैना को कुछ होश आया। उसने पीछे देखा तो ध्रुव दरवाजे से टिका मुस्कुरा रहा था। मिष्टी जोर से ध्रुव को देखकर चिल्लाई,
अच्छे अंकल जल्दी यहाँ आइए, देखिए ये पटाखे। ध्रुव स्माइल करते हुए नैना और मिष्टी के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी मुस्कुराहट से नैना साफ समझ सकती थी कि ये उसी का प्लान था। तुम्हें पसंद आया मिष्टी बेटा? हाँ अच्छे अंकल, ये बहुत ही सुंदर है, मैंने एक बार ऐसे ही सपना भी देखा था। मिष्टी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ध्रुव ने धीरे से नैना के कान के पास जाकर कहा, तुम्हें याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम ऐसा कुछ देखना चाहती हो, अब खुश? ध्रुव के शब्द सुनकर नैना हैरान थी। ध्रुव को आज से 5 साल पहले की बात अभी तक याद है? इतना कोई किसी की बात को कैसे ध्यान रख सकता है? उसे याद आया कि उस दिन वो जब अपने बिस्तर पर से उठी तो ऐसा ही सुहावना मौसम था। कोलकाता शहर एक ठंडी हवा के आगोश में समाया हुआ था। नैना ने जब खिड़की पर आकर देखा तो अचानक उसके मुंह से निकल गया, मेरा मन है कि कभी ऐसी ही ठंडी हवा में मैं खुले में डिनर करूं और बहुत से रंग बिरंगे पटाखे उस काले आसमान को रोशन कर दें। वो सीन भी किसी सपने जैसा ही होगा जिसे मैं हकीकत में जी रही होंगी। उसे रूम में बैठा ध्रुव चुपचाप अपनी फाइल पढ़ रहा था, लेकिन उसने नैना की बात को अच्छी तरह सुना था। हाँ अब मुझे याद आया, नैना ने ध्रुव की तरफ स्माइल करते हुए कहा। आज जब नैना सुबह से ही अपने काम के सिलसिले में बाहर निकल गई, तभी से ध्रुव उसे ये सरप्राइज देने की जुगाड़ में लगा हुआ था। असल में आज उसे कहीं से पता चल गया था कि मौसम ही कुछ इस तरह का होने वाला है, इसलिए उसने सबसे पहले जाकर होटल स्टाफ से बात की। उसने जब उन्हें अपना प्लान बताया तो वे मान गए, लेकिन ध्रुव को इसके लिए पूरा गार्डन बुक करना पड़ा। लेकिन जब ध्रुव ने पटाखे जलाने की बात की तो मैनेजर ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो ध्रुव को अच्छी तरह नहीं जानता था। इसलिए ध्रुव ने उससे कुछ न कहकर नीतीश को फोन किया। नीतीश के एक फोन पर मैनेजर दौड़ा हुआ आया और ध्रुव से माफी मांगकर उसे गार्डन में कुछ दूर पटाखे जलाने की इजाजत दे दी। नैना की आंखों में खुशी की चमक देखकर ध्रुव को लगा कि दिन भर की मेहनत रंग लाई। उसने मिष्टी को गोद में उठाया और नैना को साथ में खड़े करके इस हसीन नजारे को देखने लगा। ध्रुव के मन में इस वक्त जो सुकून था वो उसे दुनिया में और कहां मिल पाता। वो आसमान देखते हुए अंदर ही बुदबुदाया, बस तुम दोनों ही काफी हो मेरी इस छोटी सी जिंदगी में। क्या ध्रुव मिसेज रहेजा को नैना से दूर रख पाएगा, और क्या मिसेज रहेजा और नैना की नजदीकियां बनेंगी ध्रुव की परेशानी का कारण? आखिर क्या सच है मिसेज रहेजा का? हरविंदर नैना को ध्रुव जैसा क्यों लगा था? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। होटल के कमरे में वापस आने के बाद नैना मिष्टी को नहलाने के लिए बाथरूम में लेकर गई। रात में मिष्टी नहाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, पर दिन भर बाहर रहने के बाद उसे नहला देना ही नैना को ठीक लगा। मम्मा मुझे नहीं नहाना है। बेटा बाहर कितनी धूल थी, मम्मा भी नहाएंगी और आप भी नहा लो, नैना ने उसे प्यार से समझाया। नहीं मम्मा मुझे कोल्ड हो जाएगा, मिष्टी ने बहुत मासूमियत के साथ कहा। नहीं आपको कोल्ड नहीं होगा, आपकी मम्मा डॉक्टर है सब जानती है, नैना ने हंसते हुए मिष्टी को दुलारा। मम्मा और बेटा साथ साथ नहाएंगे और किसी को कोल्ड नहीं होगा। मिष्टी को नहलाने के बाद नैना उसे सीधे बेडरूम में सुलाने लेकर गई। मम्मा अब मुझे बेड टाइम स्टोरी सुननी है, नैना ने एक स्टोरी बुक खोली और उसे कहानी सुनाने लगी। मिष्टी को सोने से पहले हमेशा कहानियां सुनने की आदत थी और वो हर रोज ही इसके लिए जिद किया करती थी। शुक्र है उसकी स्टोरी बुक नैना ने आते समय अपने बैग में रख ली थी। मम्मा आज कौन सी कहानी, मिष्टी स्टोरी सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। आज मैं आपको चाचा चौधरी और साबू की कहानी सुनाने वाली हूँ। मिष्टी को फनी कहानियाँ बहुत पसंद थी और अगर उसे किसी कहानी की एंडिंग नहीं पसंद आती तो वो अपनी मम्मी से इसे बदलने के लिए जिद करने लगती थी। फिर नैना उसे सेम स्टोरी का दूसरा क्लाइमेक्स बनाकर सुनाती थी। अभी कहानी पूरी खत्म भी नहीं हुई थी तब तक मिष्टी गहरी नींद में सो गई। नैना ने उस पर चादर डाली और कुछ देर तक प्यार से थपकी देती रही। वहीं ध्रुव स्टडी रूम में चला गया, उसे ऑफिस का थोड़ा काम खत्म करना था और क्लाइंट्स के मेल्स भी चेक करने थे। पर स्टडी रूम में पहुंचते ही ध्रुव ने एक पिंक डायरी निकाली।
ये डायरी उसके ब्रीफकेस में रखी हुई थी जो काफी पुरानी थी। ध्रुव ने बड़ी ही सावधानी से इसके पन्ने खोले, कुछ इस तरह जैसे ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशियस हो। ये डायरी थी तो काफी पुरानी मगर बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट की गई थी। पिंक कवर के साथ साथ इसके पन्ने भी पिंक थे जिसमें सुनहरी स्याही की लिखावट थी। इस डायरी में बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी लगे हुए थे। इस डायरी को देखते ही ध्रुव ख्यालों में खो गया। वो बहुत देर तक डायरी के पन्ने खोल खोल कर देखता रहा, इस तरह जैसे वो इस डायरी से बातें करना चाहता हो। ध्रुव ने थोड़ी देर तक कुछ सोचा और एक लंबी सांस ली, उसके बाद डायरी को बंद करके दोबारा ब्रीफकेस में ही रख दिया। इसके बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और उसमें एक नंबर डायल किया। जैसे ही सामने वाले ने कॉल पिक की, ध्रुव बोल पड़ा, कल सुबह 10 बजे होटल के फर्स्ट फ्लोर पर रिसेप्शन रूम में मिलो, कुछ बात करनी है। इतना कहकर उसने सामने वाले के रिप्लाई का वेट नहीं किया और फोन काट दिया। फोन काटने के बाद ध्रुव ने अपना लैपटॉप खोला और कुछ काम करने लगा। इन 4 दिनों में कंपनी के काम की क्या अपडेट्स हैं, ध्रुव को सब कुछ चेक करना था और फाइनली आज ही उसे थोड़ा टाइम मिला था कि वो बैठकर काम कर सके। दूसरी तरफ मिसेज रहेजा ध्रुव पर कई बार चिल्लाई, हेलो हेलो, अरे सुनो तो। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि फोन पहले से ही कट चुका है। रहेजा झल्ला गई, इस तरह बिना बात पूरी किए कोई कैसे फोन काट सकता है, और ध्रुव ने तो सिर्फ अपनी बात कही, उसका जवाब तो सुना भी नहीं। ऐसा मिसेज रहेजा के जीवन में पहली बार हुआ था कि कोई व्यक्ति उसे खुद ही कॉल करके खुद ही उसका फोन काट दे। उसने फोन रखा और हरविंदर जो उसके बगल में ही बैठा था उसकी तरफ मुड़ी। फोन काट दिया, मिसेज हरप्रीत रहेजा ने उसे बताया। क्या कह रहा था, हरविंदर ने हरप्रीत रहेजा से पूछा। कल सुबह 10 बजे होटल के रिसेप्शन रूम में वो हम दोनों से बात करना चाहता है, रहेजा ने उसे सारी बातें बताते हुए कहा। उसने और कुछ नहीं कहा, हरविंदर स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि ध्रुव सीधे हरप्रीत को कॉल करेगा। दोपहर में मिसेज रहेजा होटल से सीधे हरविंदर के पास वापस आई थी और दोनों तभी से ध्रुव की कॉल का इंतजार कर रहे थे, पर ध्रुव ने उन्हें इतनी देर बाद कॉल किया और वो भी सिर्फ इतना ही कहने के लिए। दोनों के कुछ समझ नहीं आया लेकिन फिर भी उनका इंतजार करना सफल हो गया था क्योंकि ध्रुव अब उनसे मिलकर बात करना चाहता था। हरप्रीत और हरविंदर दोनों भाई बहन इस बातचीत में लग गए कि कल ध्रुव से क्या क्या बातें करेंगे। दोनों कल की होने वाली बातचीत को लेकर बहुत होपफुल थे, लेकिन ध्रुव के दिल में क्या है ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुव ही जानता था। इधर मिष्टी तो सो गई लेकिन नैना सो नहीं पा रही थी। सच में वो ध्रुव के साथ इस ट्रिप पर आकर बहुत खुश थी। नैना ने अपनी लाइफ के बेस्ट 4 दिन यहाँ बिताए थे क्योंकि हर वक्त यहाँ वो ध्रुव और मिष्टी के साथ रही, वो ध्रुव को टाइम दे पाई थी। नैना ने थोड़ी देर सोने की कोशिश की लेकिन जब उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उसने ध्रुव के पास जाने का डिसाइड किया। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा ध्रुव के कमरे में गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और ध्रुव कमरे में नहीं था। नैना को लगा कि शायद ध्रुव बाथरूम में होगा, इसलिए उसने बाथरूम के पास जाकर भी ध्रुव को एक दो बार आवाज लगाई, पर वहां भी कोई हलचल नहीं थी। जब ध्रुव उसे अपने कमरे में नहीं मिला तो वो सीधे स्टडी रूम में गई। उसे लगा शायद ध्रुव स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा हो। ध्रुव अपने घर पर भी देर रात तक स्टडी रूम में बैठकर काम करता था, इसलिए नैना उसकी इस आदत को जानती थी। नैना ने स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया पर ध्रुव ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर नैना समझ गई थी कि ध्रुव अंदर ही है। नैना को लग रहा था कि पता नहीं इस समय ध्रुव को डिस्टर्ब करना ठीक होगा कि नहीं, वो शायद बहुत जरूरी काम कर रहा है। तभी तो डोर नॉक करने पर उसने कोई जवाब भी नहीं दिया, पर नैना वाकई में ध्रुव के साथ रहना चाहती थी और उसे वापस जाकर सोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। थोड़ी देर वहीं खड़े रहने के बाद नैना ने दरवाजा खोला और सीधा अंदर चली गई। ध्रुव डेस्क के सामने बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। वो उस समय इतना मग्न था कि उसने नैना के अंदर आने की कोई आहट नहीं सुनी।
नैना ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि वो डेस्क से 1 मीटर की दूरी पर ही खड़ी हो गई। रूम में उस समय बहुत शांति थी, इतनी कि केवल ध्रुव के टाइपिंग की ही आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसे एक कमरे में किसी को काम करते बैठे देखना लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन नैना का बस चलता तो जीवन भर वो यहीं खड़ी होकर ध्रुव को काम करते देखती रहती। नैना को वहां इस कमरे में बहुत सुकून मिल रहा था और वो ध्रुव को देखने में खोई हुई थी। ध्रुव इस समय काम करते हुए नैना को बहुत हॉट लग रहा था। नैना सोचने लगी कि वो किस्मत वाली है, शुरू से ही लड़कियां ध्रुव पर मरती थी और बहुत सी खूबसूरत लड़कियों ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन ध्रुव ने पूरी दुनिया में बस नैना को चुना। नैना जब भी ध्रुव के आसपास होती थी तो उसे बहुत स्पेशल फील होता था। नैना अचानक उस समय में चली गई जब उसने ध्रुव को पहली बार देखा था। तब के ध्रुव में और इतने सालों बाद आज के ध्रुव में कोई अंतर नहीं है, बल्कि वो तो बीतते समय के साथ और भी हसीन होता जा रहा है। नैना को वहां खड़े खड़े कितना समय बीत गया था पता नहीं, लेकिन अब ध्रुव काम करते करते थोड़ा थक गया था, इसलिए वो चेयर पर ही अपनी पीठ सीधी करने लगा और अचानक उसकी नजर नैना पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। तुम कब आई? तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? ध्रुव ने हैरान होकर पूछा। मैंने देखा तुम काम करने में व्यस्त थे, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। ये कहते हुए नैना के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। पागल, अगर मैं काम करने में व्यस्त रहूंगा तो क्या तुम यहाँ खड़ी रहोगी? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ और क्या, नैना ने बिना कुछ सोचे ही तुरंत जवाब दिया, लेकिन वाकई ये बात उसके दिल से निकली थी। ध्रुव के लिए वाकई ये पल बहुत खास था। उसे एक ही पल में ये रियलाइज हो गया था कि नैना का प्यार उसके लिए कितना गहरा और सच्चा है। अगर ध्रुव अभी भी काम करता रहता तो नैना बिना कुछ बोले ही उसके बगल में बैठी उसको देखती रहती, और अगर ध्रुव रात भर काम करता तो शायद नैना रात भर बैठी रहती। ध्रुव को इस पल नैना पर बहुत प्यार आ रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, एक दूसरे की आंखों में उन्हें अपनी परछाई दिखाई दे रही थी। जैसे ही ध्रुव और नैना ने एक दूसरे की आंखों में देखा, वो देखते ही रह गए। समय मानो रुक सा गया था और ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया इस वक्त केवल वही दोनों हैं। थोड़ी देर बाद पहले ध्रुव ने चुप्पी तोड़ी। क्या हुआ, तुम्हें कोई काम था? नैना भूल गई थी कि वो ध्रुव के कमरे में क्यों आई थी। कुछ देर सोचने पर उसे याद आया तो उसने ध्रुव को बताया। हाँ, मैं तुमसे कहने वाली थी कि कल हम कोलकाता वापस जा रहे हैं, तो क्यों ना उससे पहले हम नीतीश और तनीषा से मिल लें, उन्हें बाय बोल सकेंगे? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ध्रुव ने नैना को मना कर दिया। नैना ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि अभी तो दोनों हनीमून पर हैं, तो फिर अभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नैना ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। अच्छा हुआ ध्रुव ने ये बात याद दिला दी, वरना नैना उन्हें फोन तो पक्का कर देती। ध्रुव इस वक्त नैना को सच्चाई बता देना चाहता था। उसने कहा, नैना एक्चुअली नीतीश और मैं, पर इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाया। क्या हुआ, नैना ने पूछा। नैना एक्चुअली मैंने नीतीश से कह दिया था कि हम कल कोलकाता लौट रहे हैं, तो तुम परेशान मत हो, ध्रुव ने अपनी बात बदल दी। अच्छा, नैना जाकर सोफे पर बैठ गई। ध्रुव मुस्कुराने लगा। सोना नहीं है, ध्रुव ने नैना से पूछा। मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है, नैना ने बताया। तुम परेशान मत हो, तुम अपना काम करो, मैं बस यहाँ बैठी रहूंगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि नैना सामने बैठी रहे और ध्रुव काम में व्यस्त रहे? 2 मिनट दो मुझे, ध्रुव ने तुरंत अपना लैपटॉप साइन आउट किया और उठ खड़ा हुआ। नैना उसको एकदम गौर से देख रही थी, फिर धीरे धीरे ध्रुव नैना के करीब आया। नैना को चिंता हुई कि ध्रुव का काम पूरा हुआ है या नहीं। ऑफिस का काम कैसा चल रहा है, नैना ने पूछा। ठीक है, एम्प्लॉय सारे काम कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, अभी हम कोलकाता जाकर देखेंगे। ध्रुव नैना के पास जाकर बैठ गया। ध्रुव के चेहरे पर थोड़ी शिकन थी, जिससे नैना समझ गई
कि ध्रुव किसी बात को लेकर परेशान है। ध्रुव ने कुछ सोचते हुए आंखें बंद कर ली थीं। नैना ने अपना हाथ ध्रुव के माथे पर रखा जिससे उसकी आंखें खुल गईं। ध्रुव ने अपना सर नैना के कंधे पर रख दिया। नैना ने ध्रुव से ये कहा कि वो अपना सर उसकी गोद में रख दे। नैना ब्रेन एक्सपर्ट थी, उसे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पता था। नैना ध्रुव का सर दबाने लगी जिससे उसे बहुत आराम मिला। थोड़ी ही देर में ध्रुव का सारा स्ट्रेस और सारी थकान छूमंतर हो गई थी। थोड़ी देर में नैना थकान के मारे रुक गई, पर ध्रुव को इतना अच्छा लग रहा था कि उसने नैना का हाथ दोबारा खींचकर अपने फेस पर रख लिया। नैना मुस्कुराकर दोबारा उसका सर दबाने लगी। थोड़ी देर में नैना ऊंघने लगी। क्या हुआ? ध्रुव ने पूछा। नैना ने अपनी आंखें ऐसे खोली जैसे वो जानबूझकर जागने की कोशिश कर रही है। कुछ नहीं, नैना ने उत्तर दिया। चुप करो, तुम्हें नींद आ रही है, ध्रुव ने उससे कहा। नहीं, मैं अभी थोड़ी देर और यहाँ बैठूंगी। नैना को नींद आ रही थी लेकिन वो ध्रुव के पास ही रहना चाहती थी। नहीं, मैं तुम्हें ले चलकर बेड पर सुला देता हूँ। ध्रुव ने नैना को उठा लिया और बेडरूम में ले जाने लगा। नैना ने ध्रुव के गले में हाथ डाला और उसकी गोद में ही सो गई। आखिर ध्रुव ऐसा क्या कहना चाहता है मिसेज रहेजा से? क्या नैना को पता चल पाएगी ध्रुव और मिसेज रहेजा की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगले दिन सुबह 10 बजे ध्रुव ने नैना से कहा कि वो बाहर जा रहा है और दरवाजे से निकल गया। उसने एलिवेटर नहीं ली बल्कि सीढ़ियों से जाने लगा। 20th फ्लोर से उतरते उतरते ध्रुव केवल मिसेज रहेजा के बारे में ही सोच रहा था। इतने सालों में मिसेज रहेजा उससे कई बार मिलना चाहती थी लेकिन ध्रुव हमेशा उसे अवॉइड करता रहा था। अगर गलती से किसी पार्टी में मिसेज रहेजा उसे मिल भी जाती तो ध्रुव उससे बात नहीं करता था। इतने सालों में उसने कभी अपनी माँ का भी जिक्र नहीं किया था। ध्रुव अपने दिल ही दिल में अपनी माँ की मौत का दोषी मिसेज रहेजा को ही मानता था। उसे लगता था कि अगर ये नहीं होती तो शायद उसकी माँ अकेले रिग्रेट से नहीं मरती। ध्रुव को सीढ़ियां उतरते हुए डर भी लग रहा था लेकिन उसे किस बात का डर लग रहा था ये बात उसे खुद भी नहीं पता थी। कल रात जब वो मिसेज रहेजा से बात करने के लिए राजी हुआ तभी उसे अंदाजा था कि आज उसे क्या क्या फेस करना पड़ सकता है और ध्रुव इसके लिए तैयार भी था। लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसको डर किस बात का लग रहा है। इतने सालों के अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को याद करके ध्रुव को लगता था कि आज भी जब वो उन दोनों से मिलेगा तो गुस्से में ही रहेगा लेकिन उसके दिल में एक्साइटमेंट ज्यादा थी। जब ध्रुव फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा तो वहां एक आदमी पहले से ही उसके स्वागत में खड़ा था। हेलो ध्रुव सर, रूम का ये एरिया खाली करा दिया गया है, मिसेज रहेजा आपका रूम नंबर 1 में इंतजार कर रही हैं। ध्रुव ने भी उसे हेलो बोला और दाहिने ओर मुड़ा, कॉरिडोर के पास जाकर थोड़ी ही दूर पैदल चला और फिर खड़ा हो गया। वो रूम के सामने था। न जाने क्यों ध्रुव रूम के अंदर नहीं जा पा रहा था। थोड़ी देर तक वो वहीं खड़ा रहा और उसके बाद दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। अंदर मिसेज रहेजा के साथ एक और आदमी बैठा था जिसे देखकर ध्रुव हैरान हो गया। अंदर बैठा हरविंदर ध्रुव को लगातार घूरे जा रहा था। ध्रुव जैसे ही दरवाजे के अंदर आया मिसेज रहेजा थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई। ध्रुव ने हरविंदर को आज पहली बार सामने से देखा था। इसके पहले उसने उसे सिर्फ और सिर्फ टीवी पर ही देखा था। यहाँ सभी के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट थी लेकिन आज सब एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करना चाहते थे। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक ध्रुव को एक पुरानी बात याद आई लेकिन उसने उधर से अपना ध्यान हटाकर सोफे की तरफ कदम बढ़ाया। ध्रुव सोफे पर जाकर बैठ गया। ध्रुव का चेहरा देखकर कोई नहीं बता सकता था कि इस वक्त वो अपने मन में क्या सोच रहा है लेकिन मिसेज रहेजा ने पहली बार हरविंदर को परेशान होते देखा था। क्या हुआ, आर यू ओके? मिसेज रहेजा ने उससे पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, हरविंदर ने अपने आप को संभाला और जाकर ध्रुव के बगल में बैठ गया। मिसेज रहेजा ने मुस्कुराते हुए हरविंदर को ध्रुव से इंट्रोड्यूस कराना चाहा। ध्रुव ये हैं। इससे पहले कि मिसेज रहेजा
अपनी बात पूरी कर पाती, ध्रुव ने उसे रोक दिया। इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें पहले से ही जानता हूँ। यहाँ के मिनिस्टर हरविंदर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। हरविंदर को ध्रुव के मुंह से मिनिस्टर हरविंदर शब्द सुनकर अच्छा नहीं लगा था। उसकी सबसे छोटी बहन, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसका बेटा उसे मामा नहीं बल्कि मिनिस्टर हरविंदर कहकर पुकार रहा है। आखिरकार हरविंदर अपने ही परिवार से इतनी दूर कैसे हो गया? हरविंदर को दुखी देखकर मिसेज रहेजा भी इमोशनल हो गई थी। उसने ध्रुव से रोते हुए कहा, जो भी हुआ था सब मेरी गलती थी। तुम मुझे जो चाहो वो सजा दे सकते हो ध्रुव, लेकिन बड़े भैया के साथ तो ऐसा बर्ताव मत करो। शट अप, हरविंदर ने मिसेज रहेजा को चुप करा दिया। मिसेज रहेजा कुछ और भी कहना चाहती थी पर अब वो चुप हो गई। हरविंदर ने ध्रुव की ओर देखते हुए बहुत ही विनम्रता से कहना शुरू किया, जो भी हुआ था ध्रुव, उसमें सारी गलती मेरी थी। तुम अपनी मासी और नाना से क्यों गुस्सा हो? तुम्हारे नाना को कैंसर है, वो ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। तुम चाहो तो हर चीज के लिए मुझे ब्लेम कर सकते हो, पर प्लीज अपनी मासी और नाना से गुस्सा मत रहो, इनकी कोई गलती नहीं थी। ध्रुव बहुत शांत था, उसे देखकर बताना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। पर थोड़ी ही देर में जब वो अपने होश में आया तो उठ खड़ा हुआ। ध्रुव ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपके निजी मामलों से कोई लेना देना नहीं है, आपके निजी मामले आपके अपने हैं। मैं यहाँ आपसे बस ये कहने आया था कि आगे से कभी भी नैना को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करिएगा। ध्रुव को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों से मिलकर उसका मूड खराब हो गया है। वो अब और एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहता था, इसलिए दरवाजे की तरफ मुड़ गया। ध्रुव, मेरी पूरी बात तो सुनो। मिसेज रहेजा ध्रुव के पीछे जाकर उसे रोकना चाहती थी। उसे मत रोको, हरविंदर ने मिसेज रहेजा को ध्रुव के पीछे जाने से रोक दिया। मुझे ध्रुव को एक बार सब कुछ बताने तो दो, वो समझ जाएगा, मुझे पता है, मिसेज रहेजा ने घबरा कर बोला। क्या समझ जाएगा? यही कि तुम और तुम्हारी छोटी बहन एक ही लड़के से प्यार करते थे। ये समझ जाएगा कि उसे पाने के लिए तुम दोनों आपस में ही लड़ रहे थे। तुम दोनों आपस में ऐसे आदमी के लिए लड़ रहे थे जो हमारे ही परिवार का दुश्मन था और हमें बर्बाद करने के लिए जाल बन रहा था। वो हम सबको खत्म करना चाहता था। क्या बताओगी ध्रुव को? हाँ, कि तुम्हें बचाने की कोशिश करते हुए तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसके चेहरे पर इतनी गहरी चोटें आईं जो कभी भी ठीक नहीं हुई। उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा था। उसके बाद भी उसने तुम्हें बचाने के लिए सारा ब्लेम खुद पर ले लिया और उसे क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा था। इन सब के बाद उसके लिए बाहर निकलना और अपने लिए प्यार ढूंढना एक सपने जैसा ही था। और जब उसे फाइनली कोई मिला जो उससे बहुत प्यार करता था, तो उसके पापा राजी नहीं हुए। पिता और बेटी दोनों ही अपनी जिद पर अड़े रह गए। दोनों ने अपने अपने सिद्धांतों का पालन किया, जिसका नतीजा ये निकला कि दोनों अलग हो गए। मेरी बहन हमें छोड़कर उस आदमी के साथ कोलकाता जाकर सेटल हो गई और हमने अपने पिता की साइड ली। और 20 साल तक अपनी छोटी बहन से मिलने जाना तो दूर, उसे एक कॉल भी नहीं किया। और जब वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उसके भी 20-25 सालों बाद हम उसके बेटे से मिलने आए हैं। उसका बेटा हमें क्यों एक्सेप्ट करेगा? उसे हमारे लिए इतना क्यों करना चाहिए, बताओ? हरविंदर ये सब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मिसेज रहेजा से सवाल नहीं कर रहा है, बल्कि ये सब बोलकर वो अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता है। इस समय हरविंदर को देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो कोई मिनिस्टर है, बल्कि वो एक ऐसे बड़े भाई की तरह बात कर रहा था जो अपनी सबसे प्यारी और सबसे छोटी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। एक ऐसा भाई जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खरा नहीं उतर पाया था। भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, उसका चेहरा मेरी वजह से खराब हुआ था। दरअसल लोकेश मल्होत्रा मुझे बर्बाद करना चाहता था, लेकिन मेरी छोटी बहन ने जबरदस्ती मुझे वहां से हटा दिया था और सारा खतरा उसने खुद पर ले लिया था। यहाँ तक कि परिवार वालों को भी उसने मेरी कोई गलती नहीं बताई, जिसके कारण उसे परिवार वालों से भी परेशानियां मिली थीं। मैं अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। मैं इतना डर गई थी कि मैंने उसे सारा ब्लेम अपने सर लेने के लिए कहा और वो खुशी खुशी इस बात के लिए राजी हो गई। वो भी तब जब ऑलरेडी वो इंजर्ड थी। यहाँ तक कि जब उसे प्यार हुआ और उसकी और पापा की इस बात पर लड़ाई हो रही थी, तब भी मैंने उसके लिए पापा से कोई बात नहीं की।
यहाँ तक कि मैंने उसके फेवर में एक शब्द भी नहीं कहा। मैं कभी भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकी। तुम कैसे हेल्प करती? लोकेश तुम्हें खा जाता। हरविंदर बोलते बोलते रुक गया। हरप्रीत, तुम उस समय शहर से बाहर थी और अगर तुम उसकी हेल्प करना चाहती तो भी नहीं कर पाती, क्योंकि पापा और हमारी फैमिली को लोकेश ही कंट्रोल कर रहा था। पापा इसमें कुछ नहीं कर सकते थे और पापा उसकी शादी उस आदमी के साथ इसलिए नहीं कराने के लिए राजी हुए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उन्हें छोड़कर चली जाए। पर पापा के मना करने पर भी क्या हुआ, आखिरकार तो वो चली ही गई। दोनों भाई बहन इस समय पुरानी यादों को याद करके रोने लगे थे। भावनाओं में बहकर उन्होंने आज वो राज खोल दिया था जो कई सालों से उनके दिल में दफन था। उन्हें लगा था कि ध्रुव चला गया है, लेकिन ध्रुव ने अभी भी अपने कदम दरवाजे के बाहर नहीं रखे थे। उसने सारी बातें साफ साफ सुन ली थी। ध्रुव की माँ की डायरी में एक पैराग्राफ में रिग्रेट वर्ड लिखा हुआ था। अब ध्रुव को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया था कि जो वो अब तक सोच रहा था सच्चाई वो नहीं थी। ध्रुव उनकी बातें सुनकर पीला पड़ गया था, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही जल्दी से दरवाजे से निकल गया। उसका शरीर कांप रहा था। जब ध्रुव वापस आया तो नैना समझ गई कि उसका मूड कुछ बदल गया है। ध्रुव परेशान और थका हुआ लग रहा था, लेकिन नैना एयरपोर्ट पर जाने के लिए तैयारी कर रही थी, इसलिए उसने ध्रुव से कुछ पूछा नहीं। नैना ने अपना बैग पैक किया और उसको कार में रखा। तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। 11:30 तक दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए थे। चेक इन करने के बाद भी अभी टेक ऑफ में लगभग 30 मिनट बाकी थे, इसलिए दोनों VIP लाउंज में वेट करने लगे। चंडीगढ़ में बीते दिनों बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन 2 दिन से मौसम साफ था। नीले आसमान में चमकदार बादल थे। आज का दिन भी कुछ ठंडा था जिससे मौसम अच्छा लग रहा था। ध्रुव मिष्टि को गोद में लिया हुआ था और दोनों साथ में खेल रहे थे। नैना जो बगल में बैठी हुई उन्हें देख रही थी। उसे पता था कि ध्रुव किसी न किसी बात को लेकर परेशान है। कई बार मिष्टि के बुलाने पर ध्रुव जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए नैना को लगा कि ध्रुव को कुछ हुआ है। नैना थोड़ी देर तक तो चुपचाप ध्रुव को देखती रही, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया, क्योंकि चाहे ध्रुव कितना भी परेशान हो जाए पर ऐसा कभी नहीं होता था कि वो मिष्टि की किसी बात का जवाब न दे। पर ध्रुव को हुआ क्या है, ये बात नैना को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि पूरी ट्रिप पर तो दोनों साथ में ही थे। अगर कुछ होता तो नैना को भी पता होता। नैना सोच सोच कर हैरान हुई जा रही थी। नैना ध्रुव को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसे देखते ही समझ गई थी कि कोई ना कोई बात है जो ध्रुव को परेशान कर रही है। नैना को अचानक याद आया कि कल रात भी जब उसने ध्रुव से नीतीश को बाय बोलने के लिए कहा था, उस समय भी ध्रुव परेशान था। नैना समझ गई कि कुछ तो है जो ध्रुव शेयर नहीं कर रहा है। क्या हुआ ध्रुव, तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? नैना से बिना पूछे रहा नहीं गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ध्रुव को लगा कि शायद नैना उसकी मनस्थिति को समझ गई है। ध्रुव के दिल में क्या चल रहा है वो जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना ध्रुव? नैना को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्रुव को अभी भी हेडेक हो रहा है। अरे तुम परेशान मत हो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मैं थक गया हूँ। ध्रुव नहीं चाहता था कि नैना किसी भी बात को लेकर परेशान हो जाए और उसकी ट्रिप रुइन हो जाए, पर नैना से बातें छुपा पाना इतना भी आसान नहीं था। नैना ध्रुव के चेहरे की हर एक बात पढ़ लेती थी। ध्रुव को अपनी माँ के परिवार की सच्चाई पता चल चुकी थी, वो सब कुछ जान गया था। क्या ध्रुव अपने नाना का इलाज नैना से करवाने के लिए राजी हो जाएगा? क्या होगा जब नैना को पता चलेगा ध्रुव की परेशानी का कारण? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो सिर्फ पॉकेट FM के साथ।